बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना आया, लॉकडाउन की सूरत हाल रही और खातून अव्वल की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया और ना ही वो मंजरे आम पर है। इसके साथ साथ कराची के अंदर सैलाबी सूरत हाल आई, बहुत ज़्यादा बारिश आई, कराची में बारिश के रिकॉर्ड्स टूट गए। तकरीबन कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में कराची में जो इस दफा बारिश हुई है उसने 90 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। लोग बेघर हो गए, हत्ता के कराची के पोश इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो गया। खवातीन की नुमाइंदगी के लिए और उनकी दादरसी के लिए खातून अव्वल का कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, अब नॉर्वे के अंदर कुरान पाक की बेहुर्मती हुई, खातून अव्वल की तरफ से कोई बयान नहीं आया। वहां पर खवातीन ने और मर्दों ने नॉर्वे के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कहा यह जाता है कि उन्हीं मुशाहबत रखने वाले खाकों की तस्वीर वाली शर्ट्स पहनी, लेकिन किसी का कोई बयान नहीं आया और हत्ता के खातून अव्वल का भी इस पर बयान नहीं आया। तब चार्ली मैगजीन जो है, फ्रेंच मैगजीन, उन्होंने दोबारा से अनाउंस किया है कि इस साल एक मरतबा फिर वो उन्हीं खाकों की तशहीर करेंगे जिनकी पिछले साल उन्होंने की थी और उससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए थे। लेकिन इसके बावजूद खातून अव्वल की तरफ से इस पर कोई बयान, किसी तरह की कोई चीज सामने नहीं आई। गुज़श्ता अदवार की अगर बात की जाए तो खातून अव्वल यानी बुशरा साहिबा जो हैं, उनकी एक इंटरव्यू काफी डिटेल्ड जो था वो कि एक निजी टीवी चैनल पर नशर किया गया था। तो इससे जाहिर ये होता है कि बजाहिर वो नामहरम जो साहब थे उनको उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, लेकिन इस तरह की चीजें होने के बावजूद, जो कि एक इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, उसके ऊपर उनकी तरफ से मुजम्मती बयान का ना आना बहुत ज्यादा सवालिया निशानात को और सवालात को जन्म देता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि खातून अव्वल कहाँ है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना होगा कि शायद उनकी तरफ से खास तौर पर इस सेंसिटिव मौके पर, जहां पर पूरी दुनिया के जज्बात से, खास तौर पर उम्मत मुस्लिमा के जज्बात से खेला जा रहा है, इस आवाज में खातून अव्वल की आवाज भी शामिल हो जाए। और यकीनन होनी भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो बहुत ज्यादा हद तक पाकिस्तान में इस्लाम को मानती हैं और अब तक की जितनी भी खातों ने खवातीन अव्वल आई हैं, खवातीन, उनमें से सबसे बापर्दा और सबसे ज्यादा मीडिया से दूर रहने वाली खातून भी बुशरा साहिबा ही हैं। लेकिन इस टॉपिक पर उनको एक बयान जरूर देना चाहिए। आप लोग अगर इस बयान के मुंतजर हैं और आप भी ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह करें। इसी के साथ अपने होस्ट तस्लीमुल इस्लाम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।